मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज की इस क्लास में हम एग्जांपल नंबर 3 लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है, इसमें हम एग्जांपल नंबर 3 लेंगे। इससे पहले हम एग्जांपल 2 और एग्जांपल 1 की वीडियो बना चुके हैं। तो देखिए क्या है आपका एग्जांपल नंबर 3। कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी राइट एंगल एट सी, सी पर वो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का आपका एंगल है। इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, AB आपको 29 दिया हुआ है एंड BC इक्वल टू 21 यूनिट्स, BC आपका 21 यूनिट्स दिया है एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा डिग्री। ये आपका थीटा है, एंगल ABC आपका थीटा दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पहली आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा निकालनी है और दूसरी वैल्यू आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालनी है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड को निकाल लीजिए। AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, ये ध्यान रखना है थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी बेस हो जाएगी। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये भी आपको दिया हुआ है 29 का स्क्वायर और BC आपको दिया है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर आपको पता होगा 841 और BC का स्क्वायर 441, यानी कि कितना आ गया आपका 400। AC इक्वल टू 400 यानी कि 20 यूनिट्स आपकी एरिया आ गई। अब आपकी एबी भी आ गई, आपको निकालना है, बस लेना है आपको कोस स्क्वायर थीटा। पहले आप इनमें सबसे पहले कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले आप लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एसी अपॉन एबी, एसी अपॉन एबी। एसी कितना है आपका 20 और एबी कितना है आपका 29, ये आपका है साइन थीटा। इसी तरह आप कोस थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन बी का मतलब बीसी, बीसी अपॉन एबी, BC कितना आपका 21 अपॉन 29। आपको sin थीटा की वैल्यू पता चल गई, आपको cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, अब आपको sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। बस लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू पुट अप कर लेंगे। cos स्क्वायर थीटा कितना है, cos कितना है आपका 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आपका 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841, 841 आपका एलसीएम आ जाएगा, 441 प्लस 400 इक्वल टू 841 अपॉन 841 इक्वल टू 1, यानी कि आपका इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी वैल्यू आ गई। आपको ये वैसे भी याद रखना है क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। उसके बाद सेकंड निकालेंगे, अब आप कर ही लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वही आप तो हमने निकाल ही रखी है cos स्क्वायर थीटा की 441 / 841
21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, सेम वही ऐसे ही करते चले जाएंगे। 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, इस तरह से आप इसको सोल्व करते चले जाएंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 ले लिया, 441 माइनस 400 ये आपका 41 अपॉन 841 इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से ये आपका एग्जांपल नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 4 लेंगे। हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन हम इतने भी नहीं ले रहे। जब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी और हमें लगेगा कि 2 क्वेश्चन एक वीडियो में आ सकते हैं या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसी तरह से बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को दबाइए और इसके साथ साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं आप उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।